और इस बीच कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 5 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देने वाले हैं। भोपाल इस वक्त पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। इसके अलावा 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को वर्चुअली रवाना करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए 3,000 बूथ कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो भारतीय रेल देश भर में तेजी से वंदे भारत ट्रेनों का जाल बिछा रही है। रविश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रविश, थोड़ी देर में मिलने वाली है सौगात। जी बिल्कुल, और ये पहली बार होगा जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। आप देखिए, आज कुल 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनमें से 2 ट्रेनें जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चलेंगी, जिनमें एक भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस है तो दूसरी भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसके अलावा रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और गोवा जो कि मडगांव तक जाएगी, गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस, इन 5 ट्रेनों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं भोपाल से। और देखिए, ये अगर सिर्फ हम ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने की बात करें तो ऐसा नहीं है। दरअसल आज के कार्यक्रम के साथ ही माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर देगी। तो पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री का आज वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके, एक जो डेवलपमेंट का मॉडल है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा है, केंद्र में भाजपा है, उसे जनता के सामने रखेंगी। और इसके अलावा जो लाल परेड मैदान में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम होना है, जो कि देश में पहली बार ऐसा होगा जब प्रधानमंत्री भाजपा के लाखों बूथ कार्यकर्ताओं से एक साथ सीधे संवाद कर सकेंगे डिजिटल रैली के रूप में। देश भर के करीब 501 लोकसभा क्षेत्रों से बूथ कार्यकर्ताओं को आज भोपाल बुलाया गया है 3,000, और इसके अलावा जो लाखों बूथ कार्यकर्ता वो डिजिटल रूप से। तो न केवल वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी, बल्कि इसके साथ ही चुनावी अभियान की शुरुआत।